फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ। आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पटना इंस्टेंट पे। बहुत दिनों बाद मैं मिल रहा हूं आपसे। अभी भी काफ़ी गर्मी है पटना में। मैं ऐसे ही उधर जा रहा था तो मुझे एक बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट दिखा। आज तक मैंने पटना में ऐसा नहीं देखा था। मैं पुणे में पढ़ाई किया था, मैंने देखा था, जो कि पटना में अब मिल गया है मुझे। आज मैं उसी के बारे में आपको बताऊँगा और वो क्या खास चीज़ है। वो बस बने रहिए वीडियो में, जानिए क्या है। तो फ्रेंड्स, आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टेलिंग कैफ़े करके एक ट्रक हमारे शहर में खुला है, जो कि काफ़ी बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही डिफरेंट है। ऐसे इसके बारे में मैंने व्लॉग पहले देखा था यूट्यूब पे, बट मैंने सोचा कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को इसके बारे में जानकारी दे दूँ। और काफ़ी साफ़ सुथरा है और काफ़ी बहुत ही अच्छा लगता है ये कॉन्सेप्ट जो है बना हुआ है। मैं चारों तरफ से आपको दिखा दे रहा हूँ। समझिए, एक छोटा सा, ये एक बड़ा सा ट्रक है मीडियम साइज़ का, जिसमें कैफ़े खुला हुआ है। और इसकी सबसे यूनिक जो चीज़ है, वो खासियत है, वो है कि इसके आप ऊपर बैठकर खा सकते हैं। और हम चलते हैं ऊपर। ये बहुत ही कंफर्टेबल सीढ़ी बना हुआ है और ये गेट है यहाँ पे। आप एक मिरर भी है और ये देखिए एक ये यहाँ पर बैठ के, और ये बहुत ही मज़ेदार है फ्रेंड्स। मैं क्या बताऊँ, मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ और बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे देख के। यहाँ पर टेबल्स लगे हुए हैं और ये बाहर का नज़ारा, यहाँ से आप पटना म्यूज़ियम देख सकते हैं जो नया वाला है। और एक अलग सा फीलिंग आपको आएगा, यहाँ फील होगा। और आप अगर यहाँ का रेट्स देखें तो काफ़ी नॉर्मल रेट्स हैं। ये भी कुछ खास बहुत ज़्यादा नहीं है जो कि लगेगा कि आपको बहुत महंगा है। और बहुत ही बढ़िया, मैं दूर से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये पूरा ट्रक का व्यू है जो मैं अभी खड़ा हूँ ट्रक के ऊपर छत पे, उसके यहाँ बना हुआ है। लोग ऐसा कहाँ से दिमाग लाए वो तो पूछने पर पता चलेगा। अब ये है बैठने का, अब यहाँ मैं बैठ जाता हूँ और यहाँ बैठ गया। यहाँ ऑर्डर करो खाने का और बाहर का व्यू देखो, हाँ मज़ेदार व्यू है। और ये ट्रक स्टार्ट भी है, कुछ वाइब्रेशन सा फील हो रहा है इस टेबल को टच करने पे। हालांकि हो सकता है कि कुछ बना रहे हों ये लोग। आप देखिए यहाँ का व्यू। तो गाइस, मैं बता दूँ, अलग सा फील आएगा आपको आने के बाद। आप ट्रक के छत पर बैठ कर यहाँ पर आप खाना खाओगे, या जो भी लंच डिनर खाना जो भी है वो मेनू में है, बहुत ही नॉर्मल रेट्स है। आप यहाँ पर आके इन्जॉय करोगे। अभी तो खैर खाली है, दोपहर का मौसम है। और आप यहाँ का व्यू देख रहे हैं, मतलब मैं छत पे हूँ, मैं ट्रक के छत पे हूँ और बहुत ही मज़ेदार है। मतलब ये पटना में बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट, आई थिंक पूरे बिहार में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लाए होंगे अभी तक कुछ लोग, या कोई लोग भी। तो काफ़ी मज़ेदार है। मैं अभी बैठा हुआ टेबल पर, काफ़ी कम्फर्टेबल है। आराम से आप बैठ के खाना खाइए, इन्जॉय कीजिए, बाहर व्यू देखिए। और अगर बारिश हो गई तो और मज़ा। खाने की बात करूँ तो स्टेलिंग कैफ़े आप देख रहे होंगे यहाँ पे, अपोजिट पटना म्यूज़ियम, जो सामने म्यूज़ियम है, आप देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल एड्रेस है, ऑन दी रोड आपको दिख जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर आप देख सकते हैं इनका, आप चाहे तो नोट कर लें। इनका खुद का जीमेल आईडी भी है। और ये देखिए, अगर आप रेट्स की बात करें तो मैं आपको रेट्स दिखा देता हूँ। बहुत ही सिंपल रेट्स हैं। वेज रोल 40 रुपीज़ का जो नॉर्मल आता है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी। अब खाने का टेस्ट कैसा है वो तो खा कर पता चलेगा। और ये सब रेट्स देखें, आप फैमिली के साथ भी आएँ। और एक आप बेसिकली फ्रेंड्स, खाने की चीज़ तो अलग बात है, ठीक है अपने जगह, बट एक जो यूनिक कॉन्सेप्ट है, जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो देखने के लोग यहाँ पे आ सकते हैं कि आप ट्रक के ऊपर बैठकर बहुत ही मस्त होकर माहौल में खा रहे हैं, मौसम का एंजॉय करते हुए खा सकते हैं आप। तो चले नीचे चलते हैं। ये हमारा देखिए सीढ़ी है, यहीं से मैं आया हूँ। और ये ट्रक का जो देखिए यहाँ से दिख रहा होगा पूरा आपका एरिया, थोड़ा सा ध्यान से उतरना पड़ेगा, थोड़ा सा नैरो है, बट ठीक है, ट्रक में बनाया भाई लोगों ने तो कुछ तो होगा नैरो। किचन है, जो अंदर का किचन का माहौल है आपको मैं पूरा दिखा दे रहा हूँ। ये चिमनी लगा हुआ है और यहाँ पर ये बनाते हैं और यहाँ से ये बिल काटते हैं अपना और लोग को देते हैं। मैक्सिमम लोग ऊपर ही खाना पसंद करेंगे चढ़ के। और ये यहाँ पर बैठ के भी खा सकते हैं बाहर में, अगर मान लीजिए भीड़ हुआ, ऊपर का पहले फुल हो गया तो नीचे आप खा सकते हैं। जैसे कि दूर का व्यू है यहाँ से, आप देख सकते हैं, वहीं से मैं आ रहा हूँ, अभी मैं छत पर ही था। कुछ दूर से मैं दिखाता हूँ आपको, आप यहाँ से देखिए, यहाँ से पूरा आपको ट्रक दिखेगा। ये पूरा ट्रक है, स्टेलिंग कैफ़े लिखा हुआ है। इंडियन चाइनीज़ तंदूर रोल्स, सभी तरह के यहाँ के डिशेस मिलते हैं। और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट, मज़ा आ गया भाई। यूनिक कॉन्सेप्ट, बहुत ही अलग हटकर कुछ बनाया है, क्योंकि अलग हटके कुछ करेंगे तभी बिजनेस पड़ता है। तो आप आइए, आप लोग से रिक्वेस्ट है, यहाँ पटना म्यूज़ियम का जो पीछे अपोजिट है आप देख रहे होंगे, बहुत सिंपल एड्रेस है, बताएं जो नहीं पड़ेगी आपको। आप आओ, इन्जॉय करो, मस्ती करो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। छोटा सा ब्लॉग था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, यूनिक लगा ये कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने दिखाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बने रहिए हमेशा मेरे साथ और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, कीप वर्किंग, कीप स्माइलिंग।